उत्तराखंड के पौड़ी में नगर पालिका बस अड्डे के भीतर चल रही फड़फेरी विक्रेताओं की दुकान को यहां से हटाया जा रहा है। दरअसल पूर्व में बस अड्डे के निर्माणाधीन होने के दौरान नगर पालिका ने अस्थायी तौर पर फड़फेरी विक्रेताओं को बस अड्डे में दुकान चलाने की अनुमति दी थी, लेकिन अब बस अड्डा बनने के बाद फड़फेरी विक्रेताओं को अन्य जगह शिफ्ट किया जाएगा। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। देखिए, इस संबंध में पूर्व में जिलाधिकारी महोदय और विधायक महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि इनको कहीं अन्यत्र जो है हस्तांतरित किया जाए, और जो हमारा स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है 2014 का, उसमें भी यही नियम दिए गए हैं कि जो हमारे पथफेरी वाले हैं, व्यवसायी करते हैं लोग, उनको जब भी हटाया जाए यदि किसी जगह से, तो दूसरी जगह उनको स्थान दिए जाने का नियम है। तो इस संबंध में हमारे द्वारा कुछ स्थान चिन्हित करे गए हैं और जो पथफेरी वाले हैं उनसे भी वार्ता की जा रही है, और हम आशा करते हैं कि कुछ ही दिनों में जो हमारे बस अड्डे के अंदर जितने भी फड़फेरी वाले लगे हैं उनको हम अन्यत्र कहीं जगह देने में कामयाब रहेंगे।